अभी दूर दूर तक बादल हैं, तो यहाँ एक टुकड़ा है बादल का जो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी बादल तकरीबन चले गए हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मौसम अच्छा हो रहा था तो बादल आए हुए थे, तो बादल अब सारे बिखर गए हैं, तो कोई बादल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज पहले तो बादल आए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि कोई टाइम लैप्स वगैरह रिकॉर्ड करूँगा, तो जब मैं छत पर चढ़ा हूँ तो बादल वगैरह सारे चले गए हैं, तो जो टाइम लैप्स रिकॉर्ड हुए थे तो वह आपने देख लिया कैसे हैं। बादल तो चले गए हैं लेकिन हवा चली है, तो उसका डेमो आपको देता हूँ अभी। तो आज ही वैसे दो चार काम करने थे, और जो स्कर्दू का क्लिप मेरे पास पड़ा था जो मैंने वीडियोस आपको दिखानी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको वो भी दिखा दूं। तो पहला काम तो ये है कि ये जो हमारी पानी वाली टैंकी है वहाँ से लीक कर रही है पानी, तो उसे भी ठीक करना है। तो उसके बाद नीचे हमारा जो पंप है उसके पास टैंकी है, उसे ठीक करना है। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं कि हम जो गए थे स्कर्दू में तो वहाँ से कौन से शूज़ खरीदे हैं। टैंकी जो ख़राब है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला है इसे। तो ये है जी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है इसका, तो इसमें हवा भर गई है, तो जब ये थोड़ी सी पानी चलता है तो ये बार बार चलती है, तो बार बार बंद होती है, बार बार चलती है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये करिए, ये बार बार चलती है, बार बार ऑफ होती है, तो इसे खोलता हूँ, तो फिर खोल के इसकी जो हवा है वो निकाल देते हैं, तो फिर ये ठीक हो जाएगी। तो जी अब मैं ऊपर वाली छत पे आ गया हूँ, तो नीचे वाली जो टैंकी थी वो ठीक हो गई है, तो अब मैं ऊपर वाली टैंकी जो ठीक करने आ गया हूँ। तो ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली छत है ये वो है, तो ये वैसे वाशरूम की छत है, तो यहाँ से सारा समुद्री आपको दूर दूर तक नज़र आएगा, तो सारा समुद्री आपको दिखा दूँ वैसे ऊपर से कैसा मंज़र आ रहा है बहुत। और यहाँ से हमारे शौकत इस्लाम मस्जिद है वो भी नज़र आती है, और घंटाघर है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, कैमरे पे नज़र नहीं आएगा, मुझे नज़र आ रहा है, तो वो शौकत इस्लाम मस्जिद है। तो ये हमारी नूरी बरेलवी मस्जिद है, आपको मीनार पर नहीं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये सारी समुद्री ऐसे नज़र आती है। तो अभी मैं इस टैंकी को ठीक करने लगा हूँ। हमारी ये जो टैंकी ना यहाँ से लीक हो रही है, तो मैंने पहले भी ठीक की थी लेकिन दोबारा से यहाँ पे लीकेज शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कैसे ये जमा हुआ है सारा कुछ, तो अभी इसे उतारते हैं। तो हमें इस काम के लिए जो चीज़ें चाहिए तो वो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। जिमसा, नैला, रेगमार, आटा। तो आप सोच रहे हो कि आटा किसके लिए लिया, तो आटा मैंने इस चीज़ के लिए है, यहाँ पे है एक स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से पानी लीकेज होता है। एल्फी या वैसे लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा,
तो मैं आटा फिल करके उसके ऊपर अलफिल लगा दूंगा तो वो स्टिक हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह हमारी टैंकी पहले भी ठीक थी, दोबारा ख़राब हुई है, फिर दोबारा से ठीक कर देंगे, वो काम चलता रहेगा। टैंकी जी भर चुकी है पानी, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है अभी तक, तो फिलहाल कोई लीकेज नहीं है, तो यहाँ तक तो कामयाब रहा है फार्मूला। तो देखते हैं नेक्स्ट कब तक ये चलेगा। मैं और मतलब भाई अभी जा रहे हैं जी पानी लेने के लिए, उतनी देर में आपको शूज देख लें जो मैं लेके आया था। मेरा इरादा कोई नहीं था यहाँ से जूते लेने का, लेकिन मुझे एक जूता जो है वो पसंद आ गया है, तो इंशाल्लाह मैं भी फिर यहाँ से खरीद रहा हूँ। तो आपको दिखाते हैं ये शूज। अभी हम जाने लगे हैं जी चाय पीने के लिए, वो यहाँ डिसाइड हो रहा है कि बाइक कौन लेके आएगा। मैं तो लेके आ गया हूँ और ये दो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं हमारे इसके पास बाइक है, ये भी नहीं लेके आ रहा, और वो बाइक खड़ी है साहब भाई की। अब इन एक दो तीन भाई में से देखते हैं कौन बाइक लेके आता है। तो अभी मुश्तबा भाई ने मंगाया था यहाँ पे टकाटक, तो हमने खा लिया है, तो इन्होंने हमें सुला मारी थी। तो अभी क्या कह ये अभी पैसे मांग रहे हमसे, ये आप बताए कमेंट करके आपने सुला मारी थी। तो अभी हम चाय पीने लगे, यहाँ पे चाय आ गई है, तो फिर हम यहाँ से चाय पी के चले जाएंगे घर। तो आज की वीडियो यही तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को करें लाइक। और सुला ही मारी थी मैंने, मुझे पता है मैंने पैसे कोई नहीं देने। तो तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।